नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष के सबसे बड़े नायक, एक पूरे राष्ट्र को रंग भेद के अभिशाप से मुक्ति दिलाने वाले नेल्सन मंडेला का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार किए जाने वाले मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को रंगभेदी शासन के चंगुल से निकालने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसके लिए अपनी जिंदगी के 27 साल उन्होंने सलाखों के पीछे बिताए। 1918 में ईस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका के एक गांव में जन्मे मंडेला के स्कूल के एक शिक्षक ने उनका अंग्रेजी नाम नेल्सन रखा था। उनके पिता थेम्बू राज परिवार में सलाहकार थे। 9 साल की उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया। उनका बचपन थेम्बू कबीले के मुखिया के देखरेख में ही बीता। नेल्सन मंडेला 1943 में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से जुड़े। कई सालों तक जेल में बंद रहने के बाद वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने कानून की शिक्षा ली और 1952 में जोहेनसबर्ग में वकालत की शुरुआत की। यहाँ से उन्होंने रंगभेदी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाया। 1956 में उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, लेकिन 4 सालों तक चली सुनवाई के बाद फिर उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में धीरे धीरे तेजी आने लगी थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को 1960 में प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया और मंडेला भूमिगत हो गए। रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं का सरकार के साथ टकराव तब और बढ़ गया जब 1960 में 69 लोग पुलिस की गोलियों का शिकार बन गए। इस कांड को शार्पविल हत्याकांड के नाम से जाना गया। इसके कुछ समय बाद मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर तख्ता पलट तक का आरोप लगा। कुछ समय बाद मंडेला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 12 महीनों के अंतराल में 1968 और 1969 के बीच उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनका सबसे बड़ा बेटा कार दुर्घटना में मारा गया, लेकिन उन्हें उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की भी इजाजत नहीं दी गई। रॉबेन आइलैंड पर वो 18 साल तक जेल में बंद रहे और फिर 1982 में उन्हें पालसमूर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस दौरान मंडेला और उनके साथी जेल में बंद रहे। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष चलता रहा। सैकड़ों मारे गए और हजारों घायल हुए। 1990 में राष्ट्रपति FW D Clark ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया और मंडेला को भी जेल से रिहा कर दिया गया। भारत के साथ नेल्सन मंडेला का विशेष लगाव था। भारत रंगभेद के खिलाफ मंडेला के संघर्ष में सहयोग करने वाले देशों में सबसे आगे रहा। भारत ने 1990 में उन्हें मानवता के लिए निरंतर संघर्ष के लिए देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। दिसंबर 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 5 महीनों के बाद दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और सभी नस्लों के लोगों ने उसमें मतदान किया। नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्ति के बाद उनका ज्यादा वक्त उनके द्वारा स्थापित मंडेला फाउंडेशन के कामों में ही गुजरा। आज नेल्सन मंडेला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष आने वाली नस्लों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।